नमस्कार, मैं दीक्षा सिंह बोल्सकाई में आपका स्वागत है। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के मुताबिक पुरुषों को एक दिन में 9 चम्मच से ज्यादा चीनी का सेवन नहीं करना चाहिए। इसका मतलब है एक दिन में 36 ग्राम 150 कैलोरी अतिरिक्त चीनी। वहीं महिलाओं के लिए रोजाना 6 चम्मच या 25 ग्राम या 100 कैलोरी की बात कही गई है। इसे ऐसे समझें कि 12 औंस की सोडा कैन में 8 चम्मच या 32 ग्राम चीनी हो सकती है। यानी एक सोडा की कैन पीने पर दिन भर की जरूरत की चीनी आप एक बार में ही ले रहे हैं। इसलिए इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बेहतर सेहत और वजन घटाने के लिए शुगर वाली किन चीजों से आपको बचना चाहिए और शुगर को अवॉइड करके आपको किन चीजों से उसकी कमी को पूरा करना चाहिए जो आपकी सेहत के लिए सेहतमंद भी है। शहद। शहद रिफाइंड चीनी का एक ऐसा स्वाद से भरा और सेहतमंद ऑप्शन है जो हाई कैलोरी का होने के बावजूद भी चीनी के मुकाबले कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स वैल्यू होता है, जो चीनी की तरह ब्लड शुगर लेवल को तेजी से नहीं बढ़ाता। इसे लेते वक्त बस इसकी मात्रा का ध्यान रखें। डेट शुगर। खजूर बेहद पौष्टिक होता है। इसमें हमें बहुत से हेल्थ बेनिफिट्स मिलते हैं। ये आपके मीठा खाने की इच्छा को पूरा करने के साथ आपको एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन भी देते हैं। ये फाइबर खून में चीनी की मात्रा को कंट्रोल कर ब्लड शुगर लेवल को बढ़ने से रोकता है। कोकोनट शुगर। कोकोनट शुगर को नारियल के ताड़ के रस से निकाला जाता है। इसमें आयरन, जिंक, कैल्शियम, पोटेशियम और एंटीऑक्सीडेंट जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं। इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स शुगर से कम होता है और इसमें इंसुलिन होता है। मैपल सिरप। मैपल सिरप मैपल के पौधों के रस को पकाकर प्राप्त किया जाता है। इसमें पोटेशियम, कैल्शियम, आयरन, जस्ता और मैग्नीज जैसे खनिज होते हैं। मैपल सिरप को शहद से भी ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स होने के लिए भी जाना जाता है। इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स चीनी से कम होता है। बस इसका सेवन करते समय इसकी मात्रा का ध्यान रखें।